यदि कोई धर्म दीक्षा लेगा, हिंदू धर्म को त्यागेगा, तो वह नरक में जाएगा, ऐसी बात हो रही है। सिर्फ राम कृष्ण विष्णु शिव गौरी पार्वती यही सब इन्वॉल्व थे, और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले, इसका मतलब समझते हो, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। धंधा चौपट होता दिखाई दे रहा है देवकी नंदन ठाकुर जैसे तमाम जो भी कथावाचक है या तमाम जो भी पंडित पुजारी है, सबको डर सताने लगा है कि हमारा क्या होगा जो हम फ्री की बैठकर खाते हैं। अंधविश्वास, डर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की जो हम बात करते हैं, इसका क्या होगा? यानी जो सदियों से गुमराह करके रखा गया समाज को डर के नाम पर, अब क्या करेंगे हम? ऐसा डर सताने लगा है। इसलिए ऐसे उल जलून जो व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसी जो ये बातें कर रहे हैं, ऐसी अपने वचन दे रहे हैं, इससे साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि यह बौखला गए। ये राजद्रोही, ये राक्षस, ये आज का विनाशकारी, ये देशद्रोही, ये जो राजरतन अंबेडकर है, ये अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जो वीडियो हमारे सामने आई और हमने देखा कि ये तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर है, जो कि आज बहुजन समाज के भारी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, यानी कि हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्धिस्ट बन रहे हैं, बौद्धिज्म का परचम लहरा रहे हैं, और देश के कोने कोने से आवाज आ रही है बौद्ध में भारत की। और आज जो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और ऐसे और भी तथाकथित कथावाचक तिलमिलाए हुए हैं, यानी कि इनकी रोजा रोटी छिनती इनको दिखाई दे रही है। और वीडियो के अंदर जो देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है वह एक बहुत ही अचंभे वाली बात है, और हंसी भी आती है ऐसी बातों पर। यानी यह कह रहा है कि जो दिल्ली के पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई और बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं का व्याख्यान किया, जिसके अंदर राम कृष्ण गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का जिक्र किया गया, यानी कि उनको ना मानने की बात कही गई, और इससे यह तिलमिला गए और कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी कि यह नरक में जाएंगे, और खुद तो नरक में जाएंगे ही, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, जिन लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से लोगों ने दीक्षा ली है, वह भी नरक में जाएंगे। यानी कि स्वर्ग व नरक का हवाला दिया जा रहा है आज भी 21वीं सदी में, और इसके ऊपर तमाम एक्टिविस्ट अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी कि आज भी बहुजन समाज को गुमराह करके उसी स्वर्ग व नरक का हवाला देकर, पाप पुण्य का हवाला देकर जो सदियों से चल रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यानी डर बैठाया जा रहा है कि कोई भी धर्म दीक्षा ना ले, यदि कोई धर्म दीक्षा लेगा, हिंदू धर्म को त्यागेगा, तो वह नरक में जाएगा, ऐसी बात हो रही है। और यहां हम आपको बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर यहीं नहीं रुके, उसने यहां तक की भी कहा कि 22 प्रतिज्ञाओं में खुदा व जीजस का जिक्र नहीं किया। यानी यह नहीं बोला कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, मैं जीजस को नहीं मानूंगा। और इसके ऊपर जो बहुजन एक्टिविस्ट है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग है, वह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वह खुदा को या जीसस को क्यों कहे। यानी कि जिस धर्म के अंदर सड़ी गड़ी व्यवस्था है, जिसके अंदर एक तरह से कहे हम यदि कि बुराइयां है, और जिस धर्म का वह अंग थे, जिस धर्म को वह ढो रहे थे, उस धर्म के बारे में ही वह कहेंगे। यानी कि हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्धिस्ट बने, तो वह जीसस को या खुदा को क्यों कहे, और ये सही बात है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे, ये कसम दिलाई। क्या नहीं करेंगे? देवताओं की। अच्छा, उसमें से खुदा गायब थे, उसमें से खुदा गायब थे कि हम खुदा की पूजा नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। उसमें से जीसस गायब थे कि हम जीसस को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ राम कृष्ण विष्णु शिव गौरी पार्वती यही सब इन्वॉल्व थे,
और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले, इसका मतलब समझते हो, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। यानी जिस धर्म में सड़ी गली व्यवस्था थी और आज भी है, उस धर्म को त्यागा तो उसी के ऊपर तो बात की जाएगी, उसी आडंबर के, उसी पाखंडवाद के ऊपर ही बात कही जाएगी, ना कि जीजस या खुदा, यानी कि तमाम अन्य धर्मों के बारे में। तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बौखला गए हैं देवकीनंदन ठाकुर जी और तमाम जो भी ब्राह्मण धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वह सब बौखला गए, क्योंकि रोजा रोटी की बात है इनकी, रोजा रोटी पर चोट लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि सारा तमाम जो क्राउड है वह सब इन्हीं की ओर जाता है, पूजा पाठ के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर जो डर बैठा कर रखा गया है, सब वहीं जाते हैं और इनका धंधा चलता है। यानी कि जो कथा बेचते हैं देवकीनंदन ठाकुर, वहां पर जब भीड़ नहीं जाएगी और जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्धिस्ट बन जाएंगे, तो भला वहां कौन जाएगा इनकी कथाओं को सुनने? तो इनको डर सता रहा है कि हमारी जो धंधा है इसके ऊपर यानी कि एक अड़चन आ रही है, धंधा चौपट होता दिखाई दे रहा है देवकीनंदन ठाकुर जैसे तमाम जो भी कथावाचक है या तमाम जो भी पंडित पुजारी है, सबको डर सताने लगा है कि हमारा क्या होगा जो हम फ्री की बैठकर खाते हैं। अंधविश्वास, डर, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क की जो हम बात करते हैं, इसका क्या होगा? यानी जो सदियों से गुमराह करके रखा गया समाज को डर के नाम पर, अब क्या करेंगे हम? ऐसा डर सताने लगा है, इसलिए ऐसे उल जलूल जो व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसी जो ये बातें कर रहे हैं, ऐसी अपने वचन दे रहे हैं, इससे साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि यह बौखला गए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो और संगठन है ऐसे जो कि राजरत्न अम्बेडकर व राजेंद्र पाल गौतम, बंते सुमित रतन, तमाम जो बहुजन एक्टिविस्ट है जैसे कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राजरत्न अम्बेडकर डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया जाकर छिप गया, अम्बेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया, राजरत्न अम्बेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया, राजरत्न अम्बेडकर जो है पुलिस के डर से ऑस्ट्रेलिया भाग गया। और राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको जेल के अंदर भेजा जाए। इस तरीके के जो धार्मिक संगठन है हिंदूवादी, वह बौखलाए हुए हैं और वह भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा यह साफ जाहिर होता है कि आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और जिससे यह बौखला गए। यानी कि जब क्रिया करते थे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, और आज क्रिया कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि आज चोट ठीक जगह लग रही है। और यही चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कि जो सड़ी गली व्यवस्था थी जो आज भी बनी हुई है, महिलाओं को व्रत के नाम पर, महिलाओं को आडंबर के नाम पर, पति की उम्र बढ़ जाएगी करवा चौथ के नाम पर, इस तरीके से उलझा कर रखा गया। और आज इस चीज़ से बाहर निकलने का एक विकल्प जो चुना बौद्ध धर्म, यानी कि जो इन आडंबरों को नहीं मानता, जो इनसे बाहर है और वह साइंस आधारित दृष्टिकोण से देखता है, सोचता है और आगे बढ़ता है। तो आज समय है कि आज जो चल रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, यानी धार्मिक व्यवस्था पर चोट मारी जा रही है बहुत तरीके के साथ, यह बहुत जरूरी है। और जो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यह बयान दिया, जो उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, इससे पता चलता है कि स्वर्ग नरक की बात करके ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि डरा दिया जाए उन तमाम वर्ग को जो आज बौद्धिस्ट बन रहे हैं, हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, कि उनको डरा दिया जाए स्वर्ग नरक के नाम पर, और वह डर जाए और बौद्धिस्ट ना बने। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। मैं उमेश करुणा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।